हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है, यह कोई व्लॉग नहीं है बल्कि आपसे मेरी एक महत्वपूर्ण बातचीत है। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से आज आपके अपने इस चैनल पर 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। किसी की नज़रों में ये 500 सब्सक्राइब बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक एक सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है। मेरा मन हर एक सब्सक्राइब को हैप्पी सेलिब्रेट करता है। तो आपका प्यार स्नेह हमेशा बनाए रखना। तो अब मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने व्लॉग स्टार्टिंग किया है तो मैंने क्या फ़ायदे देखे और इससे क्या नुकसान होने। व्लॉग से होने वाले फ़ायदों में मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि व्लॉग हमारे जीवन में एक जीवन डायरी की तरह काम करते हैं। क्योंकि जब हम उम्र में जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो हमारे जीवन की पिछली यादों को एक सुव्यवस्थित रूप से रखते हैं। दूसरा फायदा यह है कि जब हमारे व्लॉगों को अच्छे खासे लोग लगातार देखने लग जाते हैं तो कुछ प्रक्रिया के बाद हमें पैसे भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि तीसरा फायदा यह है कि खुद को लोगों के सामने पेश करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट बार कैमरे को पेश किया तो थोड़ा ज़्यादा ही डर लगा था, लेकिन अब भी मैं थोड़ा अच्छी तरीके से पेश कर पा रहा हूँ। और इससे काफ़ी नुकसान भी होते हैं, हम व्लॉग या कोई अन्य प्रकार का चैनल वगैरह बनाते हैं, इंटरनेट पर आते हैं या ऑनलाइन वगैरह में आते हैं, तो हम जो कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जैसे पढ़ाई या कोई और भी महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं जो अगर हम करते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है, एक तरह से हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन हम दो चार दिन में एक बार थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर बना सकते हैं चाहे तो, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बना सकते हैं तो बना लेना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम स्टार्टिंग में चैनल बनाते हैं तो अच्छे व्यू कैसे लाए या फिर उन वीडियो को वायरल कैसे करें, ये बात हमारे सबसे पहले दिमाग में आती है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। हमें लगातार वीडियो डालने, दो दिन या तीन दिन जो निश्चित अंतराल होता है उसके बाद जब भी हमें टाइम मिले तो उस निश्चित अंतराल के अंदर वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि हम वीडियो जो अपलोड करते हैं उसका तरीका सही होना चाहिए। अच्छा एक आकर्षक थंबनेल, अच्छा टाइटल होना, बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन और अच्छे टैग लगाएंगे तो हमारी 100% संभावना बढ़ जाती है कि हमारा वीडियो, ये नहीं तो अगले वाला दो तीन वीडियो के बाद वीडियो वायरल हो जाएगा। अगर हम पहली वीडियो में वायरल हो जाएंगे ये सोचकर अगर हम वीडियो बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा पहली वीडियो वायरल हो जाएगा, तो हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। और मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। तो आपका प्यार बनाए रखना। बाय।